नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। हर शनिवार रात 9 बजे आप देखते हैं दृश्यम, लेकिन आज 2 बड़ी खबरें हैं जिस कारण दृश्यम हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में मौजूद भारतीय समुदाय से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हम आपको मिस्र लिए चलेंगे, लेकिन कल दोपहर 3 बजे अपना पसंदीदा कार्यक्रम दृश्यम आप जरूर देख पाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि न अमेरिका, न नेटो और ना ही यूक्रेन, आज रात रूस में कयामत आ सकती है। तो उसकी वजह है पुतिन के करीब वैगनर फोर्स के चीफ प्रिगोजिन। सुबह से यूक्रेन में धमाके हो रहे हैं, बता दो आपका खून बह रहा है और युद्ध जैसे हालात हैं। पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाली वैगनर फोर्स मॉस्को की तरफ बढ़ रही है। अब पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बगावत को कुचलना है। रूस का रोस्तोव और वोरोनिश शहर से शुरू हुआ घमासान आज रात तक अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच सकता है। बता दें आपको बगावत की इस कहानी का अंत कुछ भी हो, लेकिन आज रात में मॉस्को की रात ऐतिहासिक हो सकती है। मॉस्को शहर आज रात खून से लाल और बारूदी धमाकों से काला पड़ सकता। तस्वीरें आपके सामने हैं जिससे आप समझ सकते हैं इस वक्त किस तरीके के हालात रूस में बने हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वैगनर आर्मी के लड़ाके आगे की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। रोस्तोव से प्लान था इनका आगे बढ़ने का, लेकिन बीच रास्ते में ही यहां पर उन्हें चेचन लड़ाकों का भी सामना करना पड़ रहा है, तो रूसी फौज का भी। ये अलग अलग तस्वीरें जो इलाकों से सामने आ रही है वो बता रही है किस तरीके से हालात इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बदतर होते हुए। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मॉस्को के बेहद करीब पहुंच गया है वैगनर ग्रुप। मॉस्को शहर के हालात इस वक्त चिंताजनक बने हुए हैं, ये मेयर की ओर से बताया गया है। कुछ ही घंटों में मॉस्को पहुंच सकते हैं वैगनर लड़ाके। वैगनर के खिलाफ मॉस्को में किलेबंदी कर दी गई है, वैगनर को रोकने के लिए सड़कों पर खाई बना दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से किलेबंदी की गई है ताकि वैगनर लड़ाके मॉस्को में दाखिल ना हो सके। पहले प्लानिंग उन्हें रोस्तोव में रोकने की थी, लेकिन वो नाकाफी साबित होती हुई, क्योंकि अब खबर सामने आ रही है कि वैगनर लड़ाके अब मॉस्को पहुंच सकते हैं। तो डोनेट्स्क के बाद रोस्तोव और उसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वैगनर लड़ाके, ये हम आपको बता रहे हैं।